हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कोई फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उसे कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी नाम से भी क्लियर है, रिमूव कर दिया जाए डिसकॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उसे कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक कंडीशन है, एटलीस्ट उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, मतलब x बराबर a के राइट और लेफ्ट में, x बराबर a के राइट में और लेफ्ट में इसकी वैल्यू जो RHL और LHL आ रहा है वो आ रहा है, बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर सारा गड़बड़ हो गया x बराबर a पर वैल्यू से। अगर वैल्यू गड़बड़ हो जाए पर लिमिट एग्जिस्ट करे, अगल बगल वाली जो वैल्यू है वो लगभग सेम हो, और लिमिट की दुनिया में, मतलब लिमिट की लैंग्वेज में, तो भाई ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब आर एच एल एल एच एल बराबर है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, आर एच एल एल एच एल बराबर है, तो वैल्यू को भी हम अगर यहाँ पर एक पॉइंट को ऐसे लगा दें तो ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है पर वैल्यू लिमिट के बराबर ना हो, ठीक है, तो फंक्शन में एक डिसकॉन्टिन्यूटी आती है जिसको हटाया भी जा सकता है। समझ में आ रही बात? जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में आप जानते ही हो, साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स बराबर जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि एक्स बराबर जीरो पर ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि जीरो बाय जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी को लगता तो नहीं कि जीरो बाय जीरो एग्जिस्ट करता है, जीरो बाय जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जीरो बाय जीरो की वैल्यू तुम ये नहीं कह दोगे कि वो वन होता है, वन होगा तो टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर होगा, जीरो बन जाए जीरो, जीरो टू जाए जीरो, तो क्या ये सब बराबर होंगे? जीरो बाय जीरो को अगर तुम जो है बताओगे वन होगा तो कोई दूसरा बताएगा टू भी तो होगा, कोई तीसरा बताएगा थ्री भी होगा, तो ऐसा नहीं। जीरो बाय जीरो डिनोमीटर में जीरो अगर आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जीरो और जीरो का रेशियो क्या है ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, फिलहाल उस बात पे नहीं पढ़ते हैं। ये जो है जीरो पर टोटली नॉट डिफाइंड हो गया है, एफ जीरो नॉट डिफाइंड, जीरो पर वैल्यू इसकी आ ही नहीं सकती, जीरो पर यह टूट गया है, पर जीरो पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जीरो के अगल बगल इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 0.9999 के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हमें यह भी पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, अच्छी बात है। एक्स टेंडिंग टू जीरो ना, जीरो के बराबर नहीं, जीरो के अगल बगल, तो ये वैसे होता क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू आती है 0.99999 के बराबर लगभग, अगर एक्स की वैल्यू जीरो के करीब जा रही है तो। ठीक है, एक्स की वैल्यू बहुत कम है तो इसकी वैल्यू ऐसे आने लगती है। फिलहाल लिमिट की लैंग्वेज में इसको वन का 0.999 कौन लिखे, इसको वन ही कह देते हैं, पर हमें पता है कि ये करेक्ट वन नहीं है। ठीक है, और ये सब सारी बातें मैंने तुम लोगों को लिमिट्स चैप्टर में बताया हुआ है। तो फिलहाल ये जो फंक्शन है ना बेचारा, ये फंक्शन ना जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों? लिमिट तो आ रही है, जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जीरो पर इसका आर एच एल वन है, एल एच एल भी वन है बेचारे का, पर इसकी जो वैल्यू है वो नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो है इसकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको रिमूव किया जा सकता है। और देखो, मैं इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव करता हूँ। ये बेचारा डिसकॉन्टिन्यूअस था, तो हमने लिखा नॉट इक्वल, जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूअस था ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ठीक है, जैसा है वैसे ही लो। वैसे इसमें अंडरस्टूड होता है कि एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के अगल बगल ले सकते हो। ठीक है, और एक्स बराबर जीरो के लिए इसकी वैल्यू वन डिफाइन कर दो और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक्स बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू को वन डिफाइन कर दिया और ये कॉन्टिन्यूस बन गया। देखो, जैसे ये फंक्शन है ना, फंक्शन क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये दोनों ये बीच में क्रैक हो गया है ना, तो ये वाली वैल्यू y की और ये वाली y की वैल्यू लगभग सेम है। ठीक है, और लिमिट में दोनों सेम है, आर एच एल एल एच एल ये सेम है, बस बीच में थोड़ा सा वैल्यू गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो x बराबर उस पर वैल्यू को इसके और इसके बराबर कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, तो भैया ये जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूस है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए वही सेम ले लो और जीरो पर इसकी लिमिट सॉल्व करके देख लो, वन आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू वन के बराबर तो ये कॉन्टिन्यूस बन गया। ठीक है, तो ये इस फंक्शन में रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है और इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आर एच एल एल एच एल बराबर ही ना हो तब तो ये गड़बड़ा जाएगा, तब तो ये भी मेथड फेल हो जाएगा। कम से कम लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ। आप लोग पहले तो पता लगाना इस क्वेश्चन में कि ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा, कहाँ पर इसकी वैल्यू ही नहीं आ रही है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इसकी वैल्यू, वैल्यू वन नहीं आ रही है और वहाँ पर हम इसको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे।
तो बच्चों देखो, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू है, आप लोग मुझे बताओ ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है। आपको इसको इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव करना है। ये डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर है, इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव करेंगे तो कैसे? तो पहले देखो, इसको देख लो, डिनोमिनेटर जीरो कहाँ हो रहा है? तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है एक्स बराबर टू पर, ठीक है? तो इसका मतलब ये एक्स बराबर टू पर बेचारा बर्बाद हो गया, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ये टू पर बर्बाद हो गया, पर टू पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? जरा चेक करो तो, एक्स माइनस टू जरा चेक करते हैं, है ना? तो हम चेक करना चाहते हैं टू पर क्या लिमिट आ रही है क्या, ठीक है? तो हमने सॉल्व किया, तो थोड़ा सा वही अपना पुराना मेथड लगा करके, है ना, जो पढ़ा था हमने लिमिट में, ठीक है, ऐसा ऐसा करके फिर हम लोगों ने सॉल्व किया, तो पता चला कि इसकी वैल्यू तो 4 के पास आ रही है, मतलब 4 आ रही है, तो एक्स इन टू, तो 2 प्लस टू दैट इज इक्वल टू 4। यार इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो 2 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर वैल्यू के बराबर तो है नहीं, और वैल्यू तो इसकी आ ही नहीं रही है। वैल्यू के बराबर क्या होगा, वैल्यू आ ही नहीं रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसका आर एच एल निकालो तो 4 आएगा, इसका एल एच एल निकालो तो भी 4 आएगा। आप निकालो, देख सकते हो 2 पर आर एच एल, एल एच एल सब मैंने करा रखा है। फिलहाल ये तो फैक्टर वैक्टर होकर इसका, इसकी जो लिमिट है वो 4 के बराबर आ रही है, मतलब आर एच एल और एच एल दोनों 4 हो गए इसके, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू इसकी आई नहीं रही। तो चलो इसकी मरहम पट्टी करते हैं, ठीक है, बैंडेज वैंडेज लगाते हैं, इसको जो है कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आता है इसको पूरा यहाँ लिखिएगा, एक्स नॉट इक्वल टू लिखिएगा, एक्स इक्वल टू लिखिएगा, तो यहाँ यहाँ और यहाँ तीन चीज़ों को भरना होता है, ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, करेक्ट? तो देखो ये कहाँ पर नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो एक्स नॉट इक्वल टू कर लेना, तो यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू टू कर लिया, क्योंकि ये टू पर गबड़ा रहा है, तो ठीक है, टू के बराबर नहीं होने पर ही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो टू पर हम क्या ले लें, टू, अब इसके टू के अगल बगल इसकी वैल्यू तो 4 के बराबर है, जो कि यही तो लिमिट है, तो एक्स बराबर टू पर इसकी वैल्यू 4 डिफाइंड कर देंगे, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर आप अब इसकी कॉन्टिन्यू चेक करोगे ना, तो एफ टू बराबर 4 पाओगे, और टू पर जो लिमिट है वो यहाँ से वही पाओगे, तो F2 बराबर 4, F2 प्लस H, मतलब अगर कोई आर एच एल निकालेगा तो भी 4 पाएगा, F2 माइनस H भी 4 पाएगा, लिमिट 4 पाएगा, लिमिट 4 है, वैल्यू भी 4 है, 2 पर वैल्यू भी 4 है, तो लिमिट और वैल्यू बराबर हो गया, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। तो बेचारे को चोट लगी है 2 पर, मतलब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है 2 पर, तो 2 पर हम इसे कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं, इसकी लिमिट सॉल्व करो और वैल्यू की जगह पर लिख दो, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ता है, तो अगर कोई कहेगा रिमूव द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो आप लोग ऐसे लिखोगे। और इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और ढंग है, तुम्हें पता है, तुम लोग से ऐसे ही पूछा था, किताबों में तुम्हारे ऐसे भी लिखा हुआ है रिमूव डिसकॉन्टिन्यूटी वाली, ये इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो ऐसे भी लिखा रहता है तुम्हारे किताबों में। लेट अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, फाइंड एफ टू, इसके आगे लिखा रहेगा फाइंड एफ टू सच दैट एफ एक्स या दिस फंक्शन, सच दैट दिस फंक्शन मे बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, दिस फंक्शन मे बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। अगर एक फंक्शन ऐसा है, ठीक है, एक फंक्शन ऐसा है, देन यू हैव टू फाइंड आउट F2 such that this function may be continuous. तो F2 की वैल्यू क्या होगी? अब ऐसा नहीं कि F2 बराबर नॉट डिफाइंड है ऐसा बोल देना, अरे एग्जाम में पागल है, वो बोल रहा है F2 की वैल्यू निकालो such that it may be continuous. ये continuous बन जाए उसके लिए F2 निकालो, तो वास्तव में ये वही क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, 2 पर पहले इसकी लिमिट सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, पहले तो 2 पर लिमिट सॉल्व कर लो, हमें पता है 2 पर बर्बाद, 2 पर ये बर्बाद हो गया, ये हमें पता है, अच्छे से पता है, और F2 पूछा जा रहा है, तो मतलब 2 पर जहाँ पे ये बर्बाद हुआ है, 2 के अगल बगल कुछ तो वैल्यू आई होगी, तो 2 के अगल बगल जो वैल्यू आई है वही हम निकाल रहे हैं बच्चों। तो इसको ऐसे निकालना होता है पहले, ठीक है, ऐसे निकाल लिया, काट कूट दिया, लिमिट एक्सटेंड 2 कर दिया, x प्लस 2 आ गया, और ये आ गया 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। हमने 2 पर इसकी लिमिट सॉल्व करी है 4 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है F2 मस्ट बी इक्वल टू 4 such that this function may be continuous. समझ में आई बात? जब ऐसे लिख दिया जाएगा, let f x बराबर ये, then find f2 such that
दिस फंक्शन बिकम कॉन्टिन्यूअस या मे बी कॉन्टिन्यूअस, तो आप सीधा सीधा इसकी लिमिट सॉल्व कर, टू पर इसकी लिमिट सॉल्व कर लीजिएगा और एफ टू बराबर वही बता दीजिएगा कि जो वैल्यू है वो लिमिट के बराबर हो जाएगी। तो आप लिमिट सॉल्व करिए और वैल्यू के बराबर कर दीजिए, वैल्यू के बराबर कर दीजिए, ऑटोमेटिक जो है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। तो अगर ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ टू निकालना है तो आप लिमिट सॉल्व करके उसके बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। ये रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी जैसा ही है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। और इसको अगर हमें कॉन्टिन्यूस बनाना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, एफ एक्स बराबर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स नॉट इक्वल टू टू और एक्स बराबर टू पर वैल्यू क्या है फोर। तो वास्तव में एफ टू ही तो फोर है, यहाँ पर एफ टू हमें फोर लिखना पड़ा ना। तो एक फंक्शन दिया हुआ है और टू पर एफ टू की वैल्यू निकालनी है, तो वास्तव में ये इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वही है, ठीक है। तो आप लिमिट सॉल्व करिए टू पर और उसको एफ टू के बराबर कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा और कॉन्टिन्यूस एफ टू की वैल्यू वही होगी। इसकी लिमिट सॉल्व करिए तो एफ टू की वैल्यू वही कर देना है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो अच्छा चलो अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर मान लीजिए दे दिया मैंने एक्स की पावर फोर माइनस सिक्सटीन अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है, और आपसे कहा कि फाइंड एफ टू सच दैट, ठीक है, फाइंड एफ टू, हाँ ठीक है, फाइंड एफ टू सच दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। समझ में आ रही बात, कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर टू। आपको f2 की वैल्यू निकालनी है सच दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2, ठीक है। तो लेट fx, तो अब इसमें जो क्या करेंगे, तो f2 की वैल्यू निकालनी है, f2 बराबर निकालना है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है 2 पर हम इसकी लिमिट सॉल्व कर लेंगे। तो लिमिट x टेनिंग टू 2 x इज पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर और एक्स स्क्वायर प्लस फोर फैक्टर कर रहे हैं हम लोग, एक्स माइनस टू, ठीक है। अच्छा इसमें फिर से देखो, इसमें एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू, ये दोनों कट गया, फिर से वही टू रख देंगे, टू प्लस टू कितना आएगा, टू प्लस टू और टू स्क्वायर प्लस फोर और ये कितना आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और उस साइड में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, तो ये 32 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सही है कैलकुलेशन, ये 4 हो जाएगा और ये 4 8 हो जाएगा, ठीक है, 32। तो कुल मिलाकर के ये जो फंक्शन है इसकी जो लिमिट है 2 पर वो 32 के बराबर आ रही है। तुमसे तो सीधा सीधा कहा जाए F2 निकालो, तो लिमिट तो 32 के बराबर है, F2 निकालो सो दैट इट मे बी कॉन्टिन्यूअस। तो F2 बराबर क्या लिखोगे, F2 बराबर आप लिखोगे 32, F2 बराबर 32 होना चाहिए सच दैट दिस इज कॉन्टिन्यूस। तो आप लोग को जब कहा जाता है एक फंक्शन है F C निकालो या FA निकालो सच दैट इट मे बी कॉन्टिन्यूस, तो जान लेना A पर कुछ गड़बड़ हो रही है, अक्सर यही होता है। तो x बराबर A पर कुछ गड़बड़ है, तो x बराबर A के अगल बगल आप वैल्यू आप गेस कर लीजिए या निकाल लीजिए, तो x बराबर A पर आप लिमिट सॉल्व कर लीजिए, तो जो लिमिट आती है उसको आप वैल्यू के बराबर कर देंगे, तो लिमिट बराबर वैल्यू हो जाएगा। लिमिट बराबर वैल्यू का मतलब आरएचएल एलएचएल बराबर वैल्यू, आरएचएल बराबर वैल्यू एलएचएल बराबर नहीं। अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप उसकी लिमिट सॉल्व करेंगे और आरएचएल बराबर वैल्यू और एलएचएल बराबर वैल्यू, ठीक है, ये दोनों जो है जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो आप जब लिमिट सॉल्व कर ले तो वास्तव में वो आरएचएल एलएचएल दोनों ही होता है। तो आप इसी जो आरएचएल एलएचएल जो लिमिट आ रही है इसी को आप वैल्यू के बराबर कर दोगे और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन दिया जाएगा, जब भी ऐसा कुछ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो F2 निकालो, F3 निकालो, F4 निकालो, तो जिस पर भी कहा जा रहा है तो वहाँ पर आप सबसे पहला काम लिमिट सॉल्व करिए और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वैल्यू उस लिमिट के बराबर होगा। यही करना होता है बार 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 शुरू से अंत तक, और यही करके हम लोग आंसर निकालते रहते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए RHL और LHL नहीं आ रहे हैं बराबर, ठीक है, तो वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। जैसे अब किसी ने कह दिया कि आप ब्रैकेट फंक्शन, वो ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन वाला जानते हो ना, तो ब्रैकेट फंक्शन एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स है और कोई कह दे एट एक्स बराबर 5 इसको कॉन्टिन्यूस बनाइए, तो अरे यार एफ 5 की वैल्यू कितनी, एफ 5 प्लस एच कितना है, हमें पता है 5 की वैल्यू है इसमें ब्रैकेट ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 5,
F5 प्लस एच कितना आएगा, थोड़ा सा आगे F5 प्लस एच और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लगा देना है 10 to 0, तो ठीक है। और F5 माइनस एच कितना आएगा, F5 माइनस आ जाएगा लिमिट एस टेनिंग टू जीरो एफ ऑफ 5 माइनस एच, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी F5 माइनस एच आ जाएगा लिमिट एस टेनिंग टू जीरो 5 माइनस एच। यहाँ पर F5 माइनस एच निकालना है तो यहाँ पे 5 माइनस एच रख देंगे, और 5 माइनस एच की असलियत ये है कि ये 5 से थोड़ा सा छोटा है तो ब्रैकेट उसको 4 बना देगा। तुम इन दोनों पर ध्यान दो, ये तो जब RHL और LHL आपस में बराबर नहीं है तो आप इसको कुछ भी, इसकी वैल्यू बदल करके कुछ भी डिफाइन करना चाहो, डिफाइन करके तुम इसे कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते। अगर कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है और फिर RHL LHL बराबर नहीं है, अगर x बराबर a पर RHL और LHL आपस में बराबर नहीं हैं, तो x बराबर a पर एक भी एक पॉइंट ऐसे रख करके आप इसे कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते। यहाँ रखोगे तो इतना गैपिंग हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो जाहिर सी बात है इतनी गैपिंग हो जाएगी, बीच में रखोगे तो भी ये कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, और वर्टिकल लाइन खींच दोगे तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। समझ में आ रही बात, वर्टिकल मत खींचना, अगर तुमने वर्टिकल खींच दिया तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, और ये एनालिसिस फंक्शन की हो रही है। तो एक पॉइंट को रखना होता है x बराबर एक a पर, एक पॉइंट डिफाइन करना होता है सच दैट ये कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो आपने देखा कि इसमें LHL और RHL दोनों अलग अलग हैं, जब LHL और RHL अलग अलग होते हैं तो फंक्शन में ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी आ चुकी है कि इसको हटाया नहीं जा सकता। x बराबर a पर आप कुछ भी डिफाइन करोगे, एक ही ना वैल्यू डिफाइन करोगे, ढेर सारी वैल्यू तो डिफाइन नहीं कर दोगे। तो x बराबर a पर कोई वैल्यू डिफाइन करके आप उसे कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, क्योंकि RHL LHL बराबर नहीं है। When RHL is not equal to LHL or limit does not exist, then we can never make any function continuous at that given point. तो हम लोग उस गिवन पॉइंट जहां पर कॉन्टिन्यूस बनाना था नहीं बना पाते हैं, क्योंकि RHL LHL बराबर नहीं है। तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको रिमूव नहीं की जा सकती, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या है, RHL LHL बराबर होने चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए कम से कम, और वैल्यू को फिर उसके बराबर हम लोग सेट करते हैं, लिमिट सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू को बराबर कर देते हैं, तो रिमूव हो जाता है डिसकॉन्टिन्यूटी। पर जब RHL LHL बराबर ही नहीं होंगे तो आप वैल्यू कुछ भी डिफाइन कर लोगे तो उसको आप कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, क्योंकि अगर RHL के बराबर करोगे तो LHL दिक्कत करेगा, LHL के बराबर करोगे तो RHL दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आप फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, RHL और LHL आपस में बराबर नहीं होते और इसकी वजह से डिसकॉन्टिन्यूटी आई हुई है, तो ऐसे डिसकॉन्टिन्यूटी को आप रिमूव नहीं कर पाते, तो नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वहाँ पर। ठीक है, चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।